और गाइस, दिस इज द 7K मास्टर स्टूडियो। मैं बात कर रहा हूँ कोड मॉडर्न वॉरफेयर 2022 की स्टोरी के बारे में, और मैंने पिछले पार्ट मॉडर्न वॉरफेयर 2019 पर भी अपनी एक्सप्लेन वीडियो बना रखी है, एंड दिस न्यू मॉडर्न वॉरफेयर 2 पिछले पार्ट की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। ऑल्सो अभी तक आपको मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज रिबूट हो चुकी है, इसका तो पता ही होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पिछली गेम में उर्जिकिस्तान जैसे मॉडर्न वॉरफेयर 2 में भी एक न्यू फिक्शनल कंट्री है नेम्ड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ अदल और शॉर्ट में उरा, जो कि कॉकेसस रीजन में ब्लैक सी के पास है। इस कंट्री का नॉर्थ बॉर्डर रशिया से लगता है और ईस्ट में उर्जिकिस्तान से। उरा की नेशनल लैंग्वेज अरेबिक है और अल माजरा इनकी कैपिटल। अब 15 जुलाई 2022 दोपहर 4 बजे टास्क फोर्स 141, जिसे कैप्टन प्राइस लीड कर रहे हैं, वर्किंग अंडर जनरल शेफर्ड्स कमांड एंड विद CIA स्टेशन चीफ केट लाजवेल, 141 का घोस्ट अल माजरा में ईरानियन जनरल गुबरानी की प्रेजेंस कंफर्म कर, जो यहां रशियन से आर्म स्टील कर रहा था। USA अभी एक प्राइवेट मिलिट्री से काम करवा रहे हैं नेम्ड शैडो कंपनी, जिसका लीडर फिलिप ग्रेव्स जनरल शेफर्ड की कमांड से एक बैलिस्टिक मिसाइल से ईरानियन जनरल को उड़ा देता है। बाय द वे, जनरल गुबरानी इंस्पायर्ड है फ्रॉम ईरान्स कासिम सुलेमानी, जो कि इसराइल के इंटेल के मुताबिक काफी सारे टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा था, और 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर से USA ने इसे इराक में ड्रोन स्ट्राइक से मार दिया। सो इसी से मिलते जुलते गुबरानी भी कुड्स फोर्स का लीडर था। कुड्स फोर्स ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक ब्रांच है, और USA रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करता है। सो गुबरानी के मरने के बाद कुड्स फोर्स में मेजर हसन जयानी पावर संभालते। वो गुबरानी को मारने के लिए अमेरिका से रिवेंज चाहता है। सो हसन बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है, जिसमें से मेन है अल कताला, शॉर्ट में AQ। एज यू नो, पिछली गेम में खालिद अल असद अल कताला का न्यू लीडर बनते, वो अभी भी उर्जिकिस्तान में ऑपरेशनल है। अब 12 अगस्त सुबह 3 बजे जनरल शेफर्ड की कमांड से शैडो कंपनी एक ऑफ द बुक्स ब्लैक बैग ऑपरेशन कर रहे थे, जिसका हमें नहीं पता। नाउ हसन की टेररिस्ट फंडिंग से तंग आते फाइनली केट लाजवेल को हसन अल माजरा उरा में है ये पता लगते, वो जनरल शेफर्ड से हसन को पकड़ने का मिशन ऑथराइज करते। इस मिशन पर USMC स्पेशल ऑपरेशंस कमांड मार्सोक को डिप्लॉय किया जाता है, जिसे SAS के लिएटेनेंट एंड सार्जेंट और टास्क फोर्स 141 के मेंबर्स साइमन घोष ट्रायली एंड जॉन सोप मैकटेविश लीड कर रहे हैं। टीम का प्लान था कि हसन के 3 कंपाउंड्स को 2 टीम रेड करेंगी, अल्फा एंड ब्रावो टीम, पर ये मिशन डिप कर जाता है जब अल्फा टीम का हीलो अलकताला RPG से डैमेज कर देते हैं। सो घोस्ट एंड सोप की ब्रावो टीम अपने कंपाउंड्स क्लियर करने के बाद 3rd कंपाउंड में जाने की बजाय पहले अल्फा टीम को बचाते हैं, और 3rd कंपाउंड में पहुंचते हसन यहां से भाग चुका था। बट घोस्ट एंड सोप को यहां अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स मिलती हैं, मतलब हसन ने ये मिसाइल अलकताला को सप्लाई की। Ghost, do you have Hassan? Negative. We found a weapons cache. Hassan's got missiles. They're American. 07, this is Gold Eagle. Actual, repeat your last. I'll say again. Hassan has American missiles. General Shepard उसी वक्त अपना रूम खाली कर हसन के पास ये मिसाइल कैसे पहुंची? क्या ईरान ने ये मिसाइल्स अलकताला को दी? जिसमें लाजवेल कहती है कि हसन अगर मिसाइल्स को मूव कर रहा है तो उसका कोई स्मगलिंग पार्टनर होगा, और लाजवेल जनरल से 2 घंटे मांगती है जिससे वो इस मिसाइल के नंबर्स की जांच कर ये मिसाइल्स कहां से आई ये सब पता कर सके। बट शेफर्ड वो इतना टाइम नहीं दे सकता, एस AQ टेररिस्ट इस साइट पर पहुंचते ही होंगे, और वो इन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर RTB का ऑर्डर देता है। केट लाजवेल ये मिसाइल हसन को कहां से मिली ये पता करने के लिए वो खुद ग्राउंड पे उतर सबसे पहले कैप्टन प्राइस एंड गैस से कॉन्टेक्ट करती है, जो नेदरलैंड एम्स्टरडेम में वहां अलकताला का सेल ढूंढ रहे थे। 28 अक्टूबर 6 AM प्राइस एंड गैस अलकताला का पीछा करते एक स्मगलिंग बोट से, ये लोग लास अल्मेस कार्टल से मिले हुए हैं, और यहां के बंदे के फोन से हसन के कुरियर बॉय का पता लगते। अगली सुबह लाजवेल भी यहां पहुंच सब मिलकर लास अल्मास के बंदे को पकड़ उससे पता करते हैं कि हसन उरा पे रेड के बाद मेक्सिको में था, जो अब US मेक्सिको बॉर्डर से USA में एंटर होने वाला है। केट लाजवेल मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस के कर्नल अलेहांड्रो वार्गास को कॉन्टैक्ट कर
उसे हसन को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने को कहती है। वार्गास और उनका सेकंड इन कमांड रोडोल्फो पारा लास अल्मास के पीछे बॉर्डर क्रॉस करते, यहाँ कार्टल के बंदे पुलिस को आरपीजी से उड़ा देते हैं और रोडोल्फो के हसन के कमरे तक पहुँच कार्टल मेंबर्स रोडोल्फो को इंजर कर हसन उसे वो कौन है ये पूछ उसे जिंदा जलने के लिए छोड़ जाता है। बट रोडोल्फो मरने से पहले इस घर में लगे पोस्टर से कीमती इंटेल कि हसन कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू यूएसए ये अपने कर्नल को बताते अलेहैंड्रो रोडोल्फो को बचाने में कामयाब रहता है। अब केट लाजवेल समझ जाती है कि हसन मिसाइल्स को यूएसए में ला रहा है बट कितने और कहाँ ये अभी नहीं पता। ऑल्सो हसन यहाँ बचने के बाद फिर लास अल्मास की प्रोटेक्शन में गया इन मैक्सिको। सो जनरल शेफर्ड हसन को पकड़ने के लिए खोस्ट एंड सोप को अलेहैंड्रो और उसकी स्पेशल फोर्सेस से लिंकअप करने को बोलते हैं एंड मैक्सिको से कोई वॉर स्टार्ट ना हो इसके लिए यूएस आर्मी की जगह शेफर्ड शैडो कंपनी पीएमसी को असिस्टेंस के लिए सेंड करता है। 30 अक्टूबर सुबह 10 बजे अलेहैंड्रो घोस्ट एंड सोप लिंकअप कर मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस के साथ लास अल्मास के घरों को शेकअप करते पता लगता है कि मैक्सिकन आर्मी कार्टल से मिली हुई है और वो हमें रोकने की कोशिश करते हमें एक ब्रिज पर पिन कर देते हैं जिसमें फिलिप ग्रेव्स की शैडो कंपनी अपनी गनशिप से हमें एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर ग्राउंड टीम हसन को पकड़ने में कामयाब रहे। बट कार्टल की वेव्स आफ्टर वेव से शैडो कंपनी सभी को सपोर्ट प्रोवाइड कर उन्हें एयरलिफ्ट करवा देते हैं। नाउ हसन को पता है कि उसे फॉरेन टेरिटरी में डिटेन नहीं कर सकते और उसे मारने से यूएस ईरान में वॉर छिड़ जाएगी सो वो मिसाइल्स के बारे में कुछ नहीं बताता लेकिन उसके फोन को हैक करते केट लाजवेल को स्पेन में लास अल्मास की फिशिंग हैचरी का पता लगते और घोस्ट हसन के फोन में ट्रैकर डाल टीम को ना चाहते हुए भी उसे रिलीज करना पड़ता है। लाजवेल ये इंटेल कैप्टन प्राइस एंड गैस को देते वो यहाँ इस आइलैंड पे पहुंच उन्हें इन वेयर हाउसेस में मिसाइल्स नहीं बल्कि रशियन जीपीएस डिवाइसेस मिलते हैं जिसे मिसाइल्स को गाइड किया जा सके। बट हसन को यूएस फोर्सेस यहाँ आएंगी ये पता था सो अलकताला फोर्सेस यहाँ एम्बुश कर केट लाजवेल को किडनैप करते उसे अलमाजरा से उर्जिकस्तान ले जाते हैं। कैप्टन प्राइस जनरल शेफर्ड से केट लाजवेल को बचाने के लिए परमिशन मांगता है बट शेफर्ड वो यूएस ट्रूप सेंड नहीं कर सकता बट वो कैप्टन प्राइस को रोक भी नहीं रहा जिससे प्राइस एंड गैस एक फेमिलियर फ्रेंड निकोलाई की मदद से जो अपनी पीएमसी चलाता है उसके हेली से उर्जिकस्तान पहुंच यहाँ फारा की उर्जिकस्तान लिबरेशन फोर्स की असिस्टेंस से सभी मिलकर अलकताला की कॉन्वॉय को एम्बुश कर देते हैं। गैस निकोलाई के हेली से ओवरवॉच प्रोवाइड करते अलकताला की एक आरपीजी हेली से हिट करते जिससे गैस निकोलाई अपने हेली को रिकवर कर गैस एक ट्रक पर सेफ लैंड करता है। टीम इस कॉन्वॉय के फ्रंट तक पहुंच लाजवेल को बचाने में सक्सेसफुल रहे बट अब रशियन गाइडिंग सिस्टम हसन के पास है एंड मिसाइल्स रेडी टू फायर हैं। अब मिसाइल्स की लोकेशन हसन के बाद सिर्फ एक ही बंदे को पता हो सकती है नेम्ड एल सी नोम्ब्रे लास अल्मास कार्टल का लेफ्टिनेंट। मैक्सिको में घोस्ट एंड सोप की टीम एल सी नोम्ब्रे से इन्फो के लिए सोप एक इन्फॉर्मेंट बन एल सी नोम्ब्रे की पर्सनल शिकारिया वलेरिया से मिलता है जिसे सोप मैक्सिको में जो भी हुआ ये सब इन्फो देते उसे एल सी नोम्ब्रे के पास ले जाने को कहता है। अलेहैंड्रो भी यहाँ गार्ड में भेस बदल दोनों फिशाई कैमरा से देखते हैं कि वलेरिया ही एल सी नोम्ब्रे थी लास अल्मास कार्टल की लीडर जिसका अभी तक किसी को नहीं पता था और अलेहैंड्रो एंड सोप के वलेरिया को कॉर्नर करते फिलिप ग्रेव्स अपने हैली से वलेरिया के सभी भागने के ऑप्शंस को बंद कर सोप वलेरिया को एप्रीहेंड कर यहाँ अलेहैंड्रो के एफओबी पर लाते हैं। अलेहैंड्रो वलेरिया को जानता है एज वो उसकी बैचमेट थी एंड शी इज एन एक्स मिलिट्री। वलेरिया से पूछते कि वो एक टेररिस्ट का साथ क्यों दे रही है। शी सेज एज लॉन्ग एज देयर इज अ वॉर ऑन टेरर देयर विल बी नो रियल वॉर ऑन ड्रग्स। वलेरिया फिलिप से डील करते कि अभी वो उसे मिसाइल्स की लोकेशन बताएगी और उनके वापस आते फिर हसन की जिसके बदले टीम उसे जाने देंगे। सो 2 नवंबर 5 बजे तक घोस्ट सोप अलेहैंड्रो एंड शैडो कंपनी वलेरिया की बताई लोकेशन गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक अनयूज्ड ऑयल रिग तक पहुंचते हैं जहां अलकताला टेररिस्ट इस ऑयल रिग को गार्ड करते अब इस मिसाइल को फायर करने वाले हैं।
टीम इस ऑयल रिग को क्लियर कर पता लगता है कि इस मिसाइल के कंट्रोल्स यहाँ नहीं हैं। वो पास की कार्गो शिप में थे। सोप एंड फिलिप्स घोस्ट के साथ इस कार्गो शिप में पहुंच यहाँ भी सबको एलिमिनेट करते। अब मिसाइल को बंद नहीं किया जा सकता, जिसे फिलिप्स की इंस्ट्रक्शन से सोप ये मिसाइल इसी ऑयल रिग में ब्लास्ट कर देता है। Gold Eagle Actual Shadow 1, good hit, missile and rig destroyed. Now, मिसाइल के डिस्ट्रॉय होने के बाद जनरल शेफर्ड के ऑर्डर से फिलिप्स की शैडो कंपनी अलिहांड्रो के एफओबी को टेक ओवर करते घोस्ट सोप एंड अलिहांड्रो को उन्हें अब इस मिशन से रिलीव किया जाता है ये बताते। और यहाँ सभी में झगड़ा हो शैडो कंपनी अलिहांड्रो को बंदी बना देते हैं, बट घोस्ट एंड सोप के यहाँ से बचते दोनों एक चर्च में लिंकअप कर यहाँ से अलिहांड्रो के एक सेफ हाइड आउट में रुडोल्फो से मिलते। सभी अलिहांड्रो और उसके मैन को फ्री करने के लिए एक प्रिजन ब्रेक का प्लान बनाते हैं। कम नंबर्स के बाद भी घोस्ट अच्छी प्री प्लानिंग से हर क्रूशियल पॉइंट्स पर बॉम्ब प्लांट कर हम अलिहांड्रो और उसके मैन को फ्री कर देते हैं। बट शैडो कंपनी का चॉपर सभी को कॉर्नर कर लेता कि कैप्टन प्राइस एंड काइल गैरिक यहाँ एन मौके पर पहुंच सभी को बचा। सो प्राइस को उनके बारे में कैसे पता ये पूछता है, जिससे प्राइस बताता है कि शेफर्ड के डार्क जाते ही केट लाजवेल ने उन्हें घोस्ट एंड सोप को बचाने के लिए कहा, एस लाजवेल को अभी तक शेफर्ड के ब्लैक ऑपरेशन का पता लग गया। सो लाजवेल सभी को बताती है कि 2 महीने पहले शेफर्ड ने शैडो कंपनी के थ्रू इलीगली मिडिल ईस्ट में रशिया से लड़ रही फोर्सेस को अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स देने वाला था, बट इस कॉन्वॉय को उरा से निकलते रशियन पीएमसी यहां एम्बुश करते। एज ये मिशन ऑफ द बुक्स था, सो एयर सपोर्ट या QRF नहीं बुलाया जा सकता और रशियंस यहां शैडो कंपनी की इंटायर स्क्वाड को मार यहां उनके रेडियो से सुनते कि ये मिशन ऑफ द बुक्स है और जनरल शेफर्ड इस मिशन के पीछे हैं। रशिया ये ब्लास्टिक मिसाइल्स हसन को दे देते हैं एंड एज ये मिसाइल की शिपमेंट इलीगल थी सो फिलिप ग्रेव्स एंड शेफर्ड ये मिसाइल्स चोरी होने वाली बात को दबा देते हैं। यहां शेफर्ड के इंटेंशंस बुरे नहीं थे, बट उसने इस बात को छुपाकर गलती की और एस वलेरिया से टास्क फोर्स एंड अलिहांड्रो शेफर्ड एंड फिलिप्स की गलती के बारे में जान जाते सो इसीलिए शेफर्ड एंड फिलिप्स ने सभी को बिट्रे किया। अब पता लगता है कि 3 मिसाइल कंटेनर्स चोरी हुए थे और अभी तक हमने 2 मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया, यानी हसन के पास एक मिसाइल अभी भी है। कैप्टन प्राइस शेफर्ड को कन्फ्रंट कर शेफर्ड अभी भी शैडो कंपनी को स्टैंड डाउन का ऑर्डर नहीं दे रहा, जिससे प्राइस शेफर्ड को बताता है कि ग्रेव्स को मारने के बाद वो उसकी तरफ आएगा। This is your last chance to change your mind. Then what? Then after I go for him, I'm coming for you. So, Price सभी को मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस का HQ वापस लाने एंड कमांडर ग्रेव्स को मारने के लिए कहता है। एस हम लोग अपने ही बंदों को मारने वाले हैं, सो प्राइज ये मिशन कोई टास्क फोर्स 141 या लॉस वकेरोस बनके नहीं बल्कि एक घोस्ट टीम बनकर करेंगे, जिसमें सभी घोस्ट मास्क डाल हमें साइमन रायली का थोड़ा सा जला हुआ फेस दिखता है। कैप्टन प्राइस एक शैडो कंपनी के अपाचे को पायलट करवाते यहाँ ग्राउंड टीम को असिस्ट करते हैं। गैज एंड अलिहांड्रो पहले वलेरिया को रिकवर करते और दूसरी साइड घोस्ट सोप एंड रुडोल्फो के ग्रेव्स तक पहुंच प्राइस का हेली हिट होता है और घोस्ट के प्राइस को चेक करने जाते। सोप एंड रुडोल्फो ग्रेव की तरफ जाते, ग्रेव्स यहाँ एक टैंक में है बट सोप C4 चार्जेस से फिलिप ग्रेव्स को मारने में कामयाब रहा। एंड नाउ ये बेस फिर से मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस के पास आ टीम वलेरिया से हसन कहाँ है ये पूछते। वलेरिया हसन अभी शिकागो में है ये बताती है। एंड नाउ टास्क फोर्स वलेरिया को अलिहांड्रो को सौंपते वलेरिया मैक्सिकन कोर्ट से फिर फ्री हो जाएगी ये बताती है, बट टास्क फोर्स लॉस वकेरोस को थैंक्स करते। Keep fighting the good fight, Hermano. To a better end, my brother. Good luck, amigos. Ghost! No te pierdas, carnal! ¡A huevo! अब 4 नवंबर सुबह 2 बजे तक सभी के शिकागो USA पहुंच। हसन ने थर्ड मिसाइल शिकागो पोर्ट से कहां रखी ये नहीं पता, बट हसन की लोकेशन वो यहां लास अल्मास की शेल कंपनी की बिल्डिंग में था। एंड प्राइज एंड सोप एक हीलो से इस बिल्डिंग की टॉप से नीचे आएंगे, वेयर एज गैस मरीन्स के साथ नीचे से इस बिल्डिंग को इन्फिल्ट्रेट करेगा और घोस्ट साथ की बिल्डिंग से ओवरवॉच प्रोवाइड कर रहा है। टीम के ये प्लान एग्जीक्यूट करते ये बिल्डिंग अलकताला टेररिस्ट से भरी हुई थी और टीम के 46th फ्लोर पर आपस में मिलते
हसन ने अभी तक ये मिसाइल लॉन्च कर दी जो कि वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन पर ब्लास्ट होगी। हसन यहाँ एक डोर ब्लास्ट करके सभी को इंजर कर देता है, बट गैस प्राइजन सोप को बचा। सोप हसन के पीछे एलिवेटर्स पर जंप करते हसन के ऊपर गिर उससे मिसाइल कंट्रोल बॉक्स ले यहाँ से भागता है, बट सोप के पास कोई भी वेपन नहीं है और एलिवेटर्स पर जंप करने से मरीन्स इस फ्लोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो पूरी बात सोप पर आते एंड वो एक्यू एंड हसन से चिप लाजवेल की इंस्ट्रक्शन से मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा। एंड नाउ सोप यहाँ गुरिल्ला टैक्टिक से अकेले एक्यू टेररिस्ट से लड़ता है, बट हसन के सोप को इंजर करते वो उसे इस बिल्डिंग से फेंकने की तैयारी करता है, बट सोप घोस्ट को बिल्डिंग की ओर देखने को कह घोस्ट अपनी स्नाइपर से हसन का एंड कर देता है। Perfect show, LT. You called it, Sergeant. All stations. Assange down. Enemy KIA. Now, शिकागो में ब्लास्ट का जिम्मा अथॉरिटीज हाई विंड या पावर फेलियर पर डाल। लाजल बताती है कि अगस्त 12 को जो रशियन पीएमसी ने शैडो कंपनी से मिसाइल्स हासिल करी वो रशियंस अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे और वो किसके अंडर वर्क कर रहे हैं उस बंदे की फोटो दिखाते। सभी टास्क फोर्स को ये बंदा मैकरोव है ये पता है। एंड नाउ लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ अल्ट्रा नेशनलिस्ट एक रशियन प्लेन में 3D प्रिंटेड गन्स के साथ सभी को मारने वाले हैं, जिसमें मैकरोव सभी को नो रशियन मतलब कोई भी रशियन ना बोल ये अटैक अमेरिका ने किया है ऐसा दिखाना चाहता है, जिससे अमेरिका एंड रशिया में वॉर छिड़ जाए। और यही इस गेम का एंड था। सो या गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लेट मी नो, सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट एंड मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।